इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, लगातार कई कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्किल टेस्ट में, फिर मैं आपको बताऊंगा टाइपिंग टेस्ट में। देखो स्किल टेस्ट में होता क्या है कि जब आप पूरा अपना स्किल लिख लोगे उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आपको रिलीफ बिल्कुल नहीं मिलती, अगर आपका 1% भी गलती है तो उसका आपका मार्क्स जो है वो आपका कटेगा। अब यहाँ पे जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका परसेंटेज के हिसाब से, अगर मान लो जो आपकी मिस्टेक्स है वो आपकी 2% मिस्टेक है तो उस पर 1 मार्क्स आपका जो है कटेगा, मतलब 1 मार्क्स इज इक्वल टू 2% मिस्टेक। अगर आपका 1% मिस्टेक है तो आपका 0.5 मार्क्स जो है वो आपका डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर आपका पॉइंट में भी अगर आपकी मिस्टेक है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके कंसिडर हो गए, पॉइंट में ही आपको मार्क्स जो है वो आप सभी को दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखें कि जितनी आपकी मिस्टेक्स, मान लो आपकी 5 मिस्टेक्स आपकी आ गई स्टेनो के स्किल टेस्ट में, तो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका किया जाएगा वो आपका रहेगा 2.5 मार्क्स आपके जो है वो आपके काट लिए जाएंगे, क्योंकि 1 मार्क्स इज इक्वल टू 2%, 2 मार्क्स इज इक्वल टू 4%, और आपका जो एक और कटा है वो आपका आधा, ठीक है। तो मतलब 2.5 मार्क्स जो है वो आपको कट के 47.5 आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सेम इसी तरीके का कॉन्सेप्ट आपका टाइपिंग में लगता है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, दोनों में 4% मिस्टेक इज इक्वल टू 1 मार्क्स होता है, और उसी हिसाब से आपका जो मार्क्स है, मान लो अगर क्या हुआ कि आपकी 1% मिस्टेक आई तो वो आपका 0.25 में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 0.25 मार्क्स कटेंगे, 2% आई तो आपका आधा मार्क्स कटेगा, 3% आई तो वो 0.75 कटेगा, और आपकी पूरा 4% मिस्टेक है तो 1 मार्क्स जो है वो आपका डिडक्ट होगा। तो इस तरीके से आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका टाइपिंग टेस्ट में रहता है। तो आई थिंक सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो, बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जो मैंने एक PDF डाली हुई है हाईएस्ट मार्क्स टॉपर लास्ट ईयर की, साथ ही इंग्लिश हिंदी और स्किल में सबसे ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट, वो एक बार अच्छे से चेकआउट कर लेना, उसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में बाकी पिन कर दिए।